हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? आप सब ठीक हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। गाइस, आज फिर वीकेंड का एंड होने वाला है और आज मैंने इनके केज की क्लीनिंग करनी है। तो गाइस, क्लीनिंग से ये होता है कि जितने भी आंट्स वगैरह, कीड़े मकोड़े हैं, मच्छर वगैरह हैं, वो आपके बर्ड उनसे सेफ रहते हैं जब आप इस केज की क्लीनिंग वगैरह कर लेते हैं। ये देखें, ट्रेस देखें कितनी गंदी हो चुकी है। तो मैं अपनी ट्रेज को अभी आपको क्लीन करके, A1 करके आपको गाइस दिखाऊंगा फिर कितनी गंदी हो गई है ट्रेज मेरे बर्ड्स की। तो गाइस, बर्ड्स की हर वीक में मैं इनकी सेहत और सफाई का ख्याल रखता हूँ। वीक में इनको देखना चाहिए, इनकी केज की सफाई करनी चाहिए। ये देखो कितना केज इनका गंदा है। जैसे मैं इनका केज साफ़ कर लूँगा फिर आपसे डिस्कस वगैरह करूँगा। तो गाइस, एक चीज़ मैंने आपको और बतानी थी, ये जो कोमल लिटिनो है ना, ये मेरे पास तकरीबन 10 थे, यानी कि 5 पेयर थे और ये 10 बनते हैं। अच्छा, ये 10 जो हैं, ये मैंने आज ये भी चेक करना है कि मेरे ये बर्ड्स बॉक्सेस में जा रहे थे तो इन्होंने ब्रीडिंग शुरू कर दी है कि नहीं कर दी, क्योंकि मैं अपने बर्ड्स के बॉक्सेस वगैरह भी चेक करता रहता हूँ और ये ब्रीडिंग सीज़न में चेक करते रहना चाहिए। और ये देखें, ये मेरा ऊपर वाला पेयर है, ये रात को मेरा ये वाला पेयर पता नहीं किस तरीके से बाहर निकल गया इसमें से ना, क्योंकि ये मैंने ऐसे करके इनकी फूड कोड लगाई होती है तो ये एक इसमें से ना जो मेरी फीमेल थी ना, ये बाहर निकल गई और मेरे रूम्स के जो थे ना वो लोग थे, जिसकी वजह से मेरी ना सेफ्टी हो गई। और दूसरा पेड़ मेरा इसके नीचे है, ये गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो पेड़ है ये इसके अंदर ही रहता है। ये देखें गाइस, ये मैं आपको दिखाता हूँ अपने पेड़ का मामला सारा। ये उसके एग्स आपको भी दिखाता हूँ, ये देख, ये बॉक्सेस में उसके एग्स हैं, ठीक है। ये एग्स दे दी हुए मेरे इस पेयर ने, ये मैंने आपको दिखा दी है। तो गाइस, ये पेयर ब्रीड कर चुका हुआ है, एग ले कर चुका हुआ है और मज़ीद मैं अपने इन जो पेयर्स की है वो देखना चाह रहा हूँ कि मेरे ये पेयर्स क्या ब्रीड करते हैं। आज मैं इनके केज की क्लीनिंग करूँगा और फिर इनको डाइट सर्व करते हैं अच्छी सी। इनके लिए आज मेरा जो डाइट सर्व करने का प्रोग्राम है वो मिक्स जो है वो बंद गोभी वगैरह, खीरा वगैरह इनको मैं आज दूंगा, क्योंकि बहुत से दिन हो गए इनको मैंने ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं की। क्योंकि मोस्टली जो है, जब आप ब्रीडिंग सीज़न में आप अपने बर्ड्स को एग्स वगैरह, इस मोरिंगा वगैरह इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो फिर एकदम से आप उनको साथ में ठंडी चीज़ें वगैरह नहीं दे सकते, क्योंकि ये गर्म चीज़ें जो होती हैं इनके ब्रीड के मामलात में बेहतर रहती हैं। तो ये मैं तकरीबन ये 2 दिन गुजर गए हैं तो मैं अब इनको ये सब्जियां वगैरह अब दूंगा, इनके उस पर बनाऊँगा। तो गाइस, अपना ख्याल रखा करें। ये देखें, जब मैं इनको सर्व करूँगा आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। तो ये देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा पेयर बन गया। जब मैं फीमेल नहीं लेके आया था तो ये आपस में एडजस्ट नहीं हो रहे थे, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये एडजस्ट हो गया। ये देखें, मैंने आपसे वादा किया था मैं अपना पेयर, जब ये पेयर बन जाएगा तो ये मैं आपसे वीडियो ज़रूर शेयर करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये अब साथ बैठे हैं, पेयरिंग भी हुई।